हम बात कर रहे थे उस सरकारी क्लर्क की जिसका एक उपन्यास, उसने एक उपन्यास लिखा था फ्रीडम फाइटर्स पर। ये गोरों की हुकूमत को, अंग्रेजों को इतना खटक गया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया और उसने प्रण कर लिया कि जिस लेखन से, राइटिंग की वजह से मेरी नौकरी गई है, मैं उस राइटिंग को छोड़ूंगा नहीं, मैं बन जाऊंगा लेखनी का जादूगर और इसी राइटिंग के अंदर अपना नाम कमा के बताऊंगा। वो थे मशहूर पटकथाकार दादा नवेंदु घोष। नवेंदु घोष पटना के आईजी ऑफिस में क्लर्क थे। लिखने का शौक था और भारत की आज़ादी की जंग में जो लोग लड़ रहे थे उन लोगों के प्रति थी अगाध श्रद्धा। उन्होंने इन फ्रीडम फाइटर्स के बलिदान से प्रेरित होकर एक नॉवेल लिखा, डाक दिए जाई। ये नॉवेल पब्लिश हुआ, मार्केट में आया और हाथों हाथ बिक गया, बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत चर्चा में आ गया ये नॉवल। लेकिन सरकार गोरों की थी, विदेशियों की थी, फिरंगियों की थी। जाहिर है कि एक मामूली से क्लर्क की ये हरकत उन्हें बर्दाश्त कब होनी थी। तो अंग्रेजी अफसरों ने दादा नवेंदु घोष को इतना परेशान किया कि उन्हें मजबूरन नौकरी छोड़ देनी पड़ी। हालात ये गोरे, ये ब्रिटिशर्स जो थे, इस तरह के रच देते थे कि आदमी के सामने कोई चारा नहीं बचता था। नौकरी चली गई। कुछ दिनों के बाद नवेंदु घोष को मिलिट्री अकाउंट्स विभाग में एक टेम्प्ररी नौकरी मिल गई। लेकिन वहां भी जैसे ही उस डिपार्टमेंट में पता चला कि ये जनाब, ये नवेंदु घोष डाक दिए जाए जैसे खतरनाक उपन्यास के लेखक हैं, तो गोरे अफसरों ने, गोरी सरकार ने उन्हें परमानेंट करने से मना कर दिया कि आप कैजुअल हैं, टेम्प्ररी हैं, वैसे ही रहेंगे। ये दो झटके जो लगातार मिले उससे नवेंदु घोष ने ठान लिया कि पेट पे लात पड़ी है ऐसा नॉवेल लिखने के कारण, साहित्य की रचना करने के कारण, लेखन कार्य करने के कारण, तो हिम्मत ए मर्दा मदद खुदा, तो इसी को ही वो अपनी रोजी रोटी बनाएंगे, प्रोफेशन बनाएंगे। और हुआ भी यही। आगे चलकर इन्हीं नवेंदु घोष ने बंगाल के एक अहम साहित्यकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। हिंदी सिनेमा के बेहतरीन स्क्रीन प्ले राइटर के रूप में भी खूब नाम कमाया। लेखक नवेंदु घोष ने जो फिल्में लिखी हैं उनके नाम बताने जा रहा हूं आपको। दादा बिमल रॉय की माँ, विराज बहू, याद कीजिए दिलीप कुमार की यहूदी, दिलीप कुमार की देवदास, सुजाता, बंदरी, और इसके अलावा आर पार, मंजली दीदी, इंसान जाग उठा, तीसरी कसम, लोफर, प्रतिज्ञा, गंगा की सौगंध, अभिमान और न जाने कितनी, झील के उस पार, तकरीबन 60 फिल्में लिखी हैं। किसे नहीं मालूम है लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत, है मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। लेकिन मेरे मेहरबान दोस्तों, ये गीत पहले उनकी छोटी बहन आशा भोसले गाने वाली थी, मगर क्या हालात थे और क्या हो गया कि ये गीत आ गया लता जी की झोली में, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो, सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।